ब्रेक के बाद चले सीधे आपको ले चलते हैं उदयपुर, जहां पर क्रिकेट का घमासान चल रहा है। वंडर सीमेंट का क्रिकेट महोत्सव यहां पर चल रहा है और डीपीएस ग्राउंड पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रवि से। रवि, जिस तरह से क्रिकेट का घमासान वहां पर मचा हुआ है, अभी किस मकाम तक पहुंचा है ये पूरा मैच? जी बिल्कुल नूतन, देखिए बंडर सीमेंट का जो क्रिकेट महोत्सव है अब यूं कहें पूरे शवाब पर है। दूसरा जो सेमीफाइनल मुकाबला है जोधपुर पाल बालाजी क्लब और उदयपुर के प्रधान क्लब के बीच में खेला जा रहा है। उदयपुर जोन का जो प्रधान क्लब है उसने पहले बल्लेबाजी करके 72 रन का स्कोर खड़ा किया है और अब जोधपुर जोन की जो टीम है वो अभी खेल रही है। पूरा मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ है, भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा एक महीने तक ये क्रिकेट महोत्सव चला था जिसमें देश भर प्रदेश भर के जो 33 जिले हैं उनकी 249 तहसीलों को कवर किया गया था और तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोगों ने क्रिकेट को खेला। अभी हमारे साथ में बंडर सीमेंट के जो डायरेक्टर हैं विवेक पाटनी, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस ख्वाब के साथ में इस महोत्सव को रखा है और कितना वो अचीव कर पाए, कितना सफल हुए। अपनी जो सोच थी कि ग्रामीण अंचल तक ये जो क्रिकेट है वो पहुंचे, ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं निकल कर आए। विवेक जी, कितना आप सक्सेस फील कर रहे हैं, कितना ग्रामीण स्तर तक आप जा पाए? काफी सक्सेस मिला है इस टूर्नामेंट के अंदर और आप जैसे देख सकते हैं पूरा मैदान भरा पड़ा है और ये महोत्सव पिछले एक महीने पहले स्टार्ट हो गया था और तहसील के अंदर जोन हर जगह काफी एक्साइटमेंट देखने को मिला है लोगों की तरफ से। जहाँ भी मैच हुए बहुत सारी पब्लिक आई देखने के लिए और अभी भी आप जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पूरा मैदान पूरा भरा हुआ है। और जी महोत्सव का नाम साथ साथ रखा, किस तरह से साथ लाने की कोशिश थी? और दूसरी बड़ी बात, बड़े आनंद वाले अंदाज में एंजॉयफुल होकर खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं। इंटरनेशनल आपने इसको अंदाज दिया है, इंटरनेशनल सुविधाएं मुहैया कराई हैं, लेकिन जैसे पैड है वो नहीं लगा रखे हैं, क्लब्स नहीं पहने हुए, बहुत इंजॉयफुल मूड में खेल रहे हैं, क्या मकसद है सबके पीछे? अगर नाम ही अपने आप में बताता है साथ का मतलब होता है कि हम सब साथ मिलके खेल रहे हैं और इसका जो मेन एम था जो हमने जो टूर्नामेंट है 7 ओवर्स का मैच है क्या है कि पूरे राजस्थान पार्ट ले रहा है तो हम चाहते थे कि मैच जल्दी ख़त्म हो, मज़े भी आए लोगों को और इसको हम टेनिस की बॉल से खेल रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग पैड या सेफ्टी गेयर्स नहीं पहने हुए और साथ मतलब जो 7 प्लेयर्स है और 7 ओवर का मैच है तो उसको उसी माध्यम से हमने साथ का ये प्लान सोचा हमने। देखिए एक महीने पहले भी हम लोगों की मुलाकात हुई थी, आपने बताया था कि इस तरह से ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाया जाएगा, उनको आप आगे ट्रेंड भी करेंगे, वो किस तरह की कोशिश है, उसमें किस तरह से आप आगे बढ़ने वाले हैं? आज फाइनल मैच होने जा रहा है और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारे यहाँ पे उदयपुर के अंदर ही वनडे क्रिकेट अकेडमी है तो यहाँ पे हम 4 जनों को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें से 3 मेल्स रहेंगे और 1 फीमेल होगी, उनको हम यहाँ पे उनको उनकी स्किल्स और डेवलप करेंगे और आगे जाने के लिए। किस तरह के ऑफिशियल्स को आपने बुलाया है ताकि ये जो ग्रामीण अंचल से जो प्रतिभाएं आई हैं, तहसील लेवल से जो प्रतिभाएं आई हैं, उनको कुछ नया सीखने को मिले, इंटरनेशनली वो कुछ ऐसी चीज़ें सीखें, उसके लिए किस तरह से ऑफिशियल्स आपने बुलाए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हैं आपने? एक्सपर्ट्स ऐसे हमने किसी को बुलाया नहीं है बट हम खुद ही देख रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो कोचेज हैं जो हमारे जिनने दिशांग याग्निक और दिशांग याग्निक जैसे प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी है तो वो यहाँ पे ये उनका नाम मनोज है तो वो उनके थ्रू वो भी बिल्कुल यहाँ पर रवि कह सकते हैं कि एक ऐसा मंच दिया जा रहा है जो ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच दिया जाए ताकि जो वहां जो टैलेंट है वो बेकार ना जाए और वो एक मंच पर आए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहां रुक दें, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।